하나님은 여러분에게 뭘 원하시냐 하면 But then what God wants from you 하나님 여러분에서 모든 것을 다 준비해 놓고 God prepared everything for you 여러분의 구원 Your salvation 여러분의 문제 Your problems 여러분의 슬픔 Your sadness 여러분의 고통 Your suffering 이 모든 걸 해결할 수 있는 모든 길을 만들어 놓으셨고 God prepared the whole path for to resolve all of those 여러분 부족하지만 Even though you are lacking 연약하지만 Even though you are weak 하나님의 은혜를 입기 위해서 그 앞에 담대히 나오기를 바라신다. But God wants us to come boldly before God to receive His mercy. 여러분 안녕하십니까? 석고제임스기. 오늘은 성막 세 번째 시간입니다. आज हमारा ये मिलाप तंबू का तीसरा सत्र है. 성막에 대해서 할 이야기가 굉장히 많은데. और मिलाप तंबू के विषय में मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ, लेकिन 시간이 짧아서. 다 이야기 못해서 벌써 이제 마지막 시간이라서 뭘 이야기해야 될지 내 마음에서 많이 싸우고 있습니다. 또 다음에 여러분 만나서 또 성막에 대해서 하나님에 대해서 이야기할 것을 계약하고 오늘은 어제 이야기했던 번제단에 이어서 뒤에 있는 그 물두멍에 대해서 좀 이야기를 하겠습니다. 여러분 물두멍은 성경 출애굽기 30장 17절에부터 나옵니다. 제가 한번 먼저 읽어보겠습니다. 여호와께서 모세에 일러 가라사대 너는 물두멍을 노수로 만들고 그 받침도 노수로 만들어 씻게 하되 그것을 회막과 단 사이에 두고 그 속에 물을 담아. 보내기 위해 빛을기 एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रख कर उसमें जल भर देना. 아론과 그 아들들이 그 두멍에서 수종을 씻되. और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने-अपने हाथ पांव धोया करें. 그들이 회막에 들어갈 때 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 화제를 여호와 앞에 사를 때도 그리할지니라. 잡잡에 밀압 वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल से धोए नहीं तो मर जाएंगे और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए सुजो सिसो कि मर जाए. 이는 그와 그 자손이 대대로 영원히 지킬 규례니라. 야 하론 और उसके पीढ़ी-पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे. 성막에 문을 통과하면 제일 먼저 번제단이 나오고요. 안들 प्रवेश करते हो तो सबसे पहले होम बलि की वेदी आती है और होम बलि की वेदी पार करने के बाद पीतल की हौदी आती है. 그 물두멍을 지나면 그때부터 성소가 나오고 और फिर पीतल की हौदी पार करने के बाद पवित्र स्थान और उसके आगे परम पवित्र स्थान है. 근데 여기 있는 물두멍은 우리의 굉장히 중요한 사실을 알려줍니다. 여러분 제사장들이 이제 하나님 앞에 1년에 한번씩 제사를 드립니다. 그래서 이제 그 제사장도 육신을 가진 인간이기 때문에 허물이 있고 죄가 있습니다. 만약에 조금이라도 죄가 있거나 문제가 있거나 더러운 것이 있다면 지성소에 들어갈 때 그 베일을 제낄 때 이제 죽임을 당합니다. 제사장들이 죄를 씻고 나서 처음에 이제 죄를 씻기 위해서
번제단에서 제사를 드립니다. और इसलिए उनके पापों को धोने के लिए सबसे पहले वो होमबलि की वेदी के पास जाकर उनके पापों को 그리고 이제 धोते हैं। 여러분 번제단을 지나서 물두멍에서 이제 손과 발을 씻는다고 얘기하고 और 있어요. फिर उसको पार करने के बाद पीतल की हौदी पर आकर उनके हाथ और पांव को पानी से धोते हैं। 왜냐하면 제사를 드리고 난 다음에 손이나 발에 혹시 뭐라도 묻으면 और क्यों क्योंकि वो लोग पाप बलि चढ़ाने के बाद उनके हाथ और पांव में कुछ तो गंदगी रह जाती होगी और उसके कारण अगर वो गंदे हैं वो परमेश्वर के सामने जाके न्याय दंड पाएंगे इसलिए उन्होंने उनके हाथ और पांव को पीतल की हौदी में धोना ही है और अगर आप 20 वचन को देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 단에 가까이 가서 그 직분을 행할 때 행하여 화제를 여 앞에 사를 때에도 जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए नहीं तो मर जाएंगे और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए तो पिछले सत्र में हमने होम बलि के वेदी के विषय में बात की 번제단은 양을 가서 가지고 와서 잡아서 우리 죄를 씻는 तो होम बलि की वेदी वो जगह है जहां पर हम पाप बलि के लिए मेमना लेकर आते हैं और हमारी 혹시 기억하실지 모르겠지만 번제단은 장차 오실 예수님의 모형이고 실제 예수님은 그 번제단에서 죽은 양처럼 우리의 죄를 가지고 돌아가시는 일을 하셨죠. उस मेमने के समान पापल के समान हमारे पापों के लिए मरने का काम किया 설명하기 전에 그분에 대해서 여러분에게 잠깐 이야기하려고 합니다. तो हम पीतल के हौदी के विषय में बात करने के पहले उसके विषय में थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा अगर आप इब्रानियों की पुस्तक में जाते हो 9장에 대해서 좀 이야기하려고 하는데요. 내가 아고 이브라니어 께 9 아담에 안에 와리 바트 여러분 히브리서 7장과 8장과 9장은 굉장히 중요한 것을 우리에게 이야기하고 있습니다. और इब्रानियों का 7, 8 और 9 बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमको बताता है गजांग चुंग्यांग चुंगे से गाजिगा इन और यहूदी लोगों में से तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है छप्पन पहली युल्पविगो व्यवस्था दूसरी है संजनिगो मंदिर से बंचेन जेसाजांगिबिदा और तीसरा है याजक महायाजक 근데 여러분 이 제사장이나 율법이나 성전은 तो ये महायाजक हो या मंदिर हो या तो फिर व्यवस्था हो 이 성전이 중요한 이유도 있지만 아니시티 मंदिर के लिए भी महत्वपूर्ण बात है 예수님을 나타내고 있는 것이 तो मंदिर भी ईश मसीह को प्रकट करता है 이 제사장도 예수님을 나타내고 있고 महायाजक भी ईश मसीह को प्रकट करता है 그리고 이 율법도 우리를 예수님 앞으로 이끄는 일을 합니다 और व्यवस्था भी हमें ईशु के सामने लेके जाने का काम करती है लेकिन अभाग्य का बात क्या है ऐसा नहीं कि वो लोग वो यीशु को बिना जाने वो यीशु से मिले नहीं है लेकिन बस ऐसी व्यवस्था के अंदर रहकर या तो फिर वैसी महायाजक से मिलकर 그 율법과 제사장과 성전 속에 마음이 갇혀 있는 것입니다. और उनका मन केवल मंदिर में व्यवस्था में और महायाजक में ही फंसा हुआ है 히브리서에서는 7장에서는 예수님을 제사장으로 나타내기 위해서 또 이브라니어 께 7 아담에 이슈코 마야적 께 समान प्रकट किया गया 아론의 오더를 따른 제사장들은 완벽할 수 없었다. 뭐 कहता है कि 하룬 께 जो वंश है वो लोग सिद्ध नहीं थे. 멜키세덱의 반차를 쫓은 분이 바로 예수 그리스도인데. लेकिन मलकीसेदेक के वंश से आने वाले लोग सिद्ध है और वो है यीशु मसीह. 예수님이 우리의 죄를 속하신 일을 하시는 것이다. इसलिए यीशु मसीह पापों के दोनों पापों को धोने का काम कर रहा है. तो हम वो लोग हैं जिन्होंने पाप किए. 그들 스스로도 죄인이었는데. लेकिन वो लोग भी पापी थे. 멜키세덱의 반차를 쫓은 예수 그리스도는 영원한 제사장인 것을 이야기하는 거예요. 뭐 그렇게 얘기하기 이슈 मसीह मलकीसेदेक के वंश से आया हुआ अनंत काल का महायाजक है. 제가 한절 읽어서 여러분에 설명 드릴 수 없지만 हमारे पास ज्यादा समय नहीं इसलिए मैं सब कुछ विस्तार से तो आपको बता नहीं सकता. 여러분이 히브리서 7장 읽어 보면 लेकिन अगर आप इब्रानियों के 7 अध्याय को पढ़ते हो 히브리서에서는 원래 있던 제사장이 아닌 예수님을 제사장으로 세우는 일을 하고 있고 वो केवल साधारण याजक नहीं बल्कि यीशु को महायाजक के रूप में स्थापित करने की बात करती है.
और जब आप इब्रानियों के어떤 आठ अध्याय이야기가 में जाते हो, 나오냐면 율법이 있는데 यहां पर व्यवस्था के विषय में बात की गई है. 율법이 아니라 하나님이 새로운 율법을 주시는 और이야기를 सिर्फ वही이야기하고 व्यवस्था있습니다. नहीं, बल्कि परमेश्वर ने दिया हुआ नया वाचा भी वहां पर 아, लिखा गया옛날에 है. 있던 그 율법은 우리 깨끗해 할수 없는데 और जो पुरानी वाचा परमेश्वर ने दी थी,그वो हमारे법이 हमें 아니라 शुद्ध नहीं कर 새로운 सकी. 법을 우리에게 주시는 것을 이야기하고 있고 लेकिन आठ अध्याय में परमेश्वर ने दी हुई नई वाचा के विषय में बात की गई है. 9장에서는 और इब्रानियों के नौ अध्याय में 바로 이 성막, 이 성, 성전에 대해서 이야기하는데 वहां पर परमेश्वर के मंदिर के विषय में, मिलाप तंबू के विषय में बात की गई है. 성전이 아닌 और वो ऐसा मिलाप तंबू नहीं जो जो हाथों से बनाया गया है. 하늘에 있는 그 성전에서 우리의 죄를 씻는 그 부분에 대해서 और वो इया기하는데. बता रहा है यीशु ने हमारे पापों को स्वर्ग के मिलाप तंबू में धोया. योहान복음에 보면 जब हम योहाना के पुस्तक में देखते हैं, 예수님이 성전에 지나가시다가 जैसे यीशु मंदिर में गया, 거기에 비둘기 파는 사람의 그러면 동전 바꾸는 사람 소와 양들이 कबूतर बेचने वाले सराफ और जो पशुओं को बेचने वाले लोग वहां पर उसने देखे. 채찍, 노끈으로 채찍을 만들어서 तो यीशु ने चाबुक बनाया. 그 안에 있는 막 짐승들 쫓아내고 돈을 얻고 और यीशु ने सब जानवरों को वहां से बाहर निकाला और मेज उलट दिया. 그 모습을 보여주신 적이 없었는데 और उसने उस प्रकार के अपने स्वरूप को कभी प्रकट नहीं किया था. पहले병자를 고치시고 यीशु ने लोगों को चंगाई दी, यीशु ने मुश्किल में रहने वाले लोगों की मदद की. लेकिन जैसे यीशु बहुत गुस्सा क्रोधित हो गया, 말로만 하신 것이 아니라 막 손으로 직접 막 그 채찍을 만들어 가지고 막 거기를 막 때리고 막 들고 엎고 막 그런 일을 하셨어요. गुस्सा होकर चाबुक बनाकर वो सबको मार रहा है और मेज उलट रहा है. और उसके बाद उसने क्या कहा? 이 성전을 헐어라. तुम सब इस मंदिर से बाहर निकलो. 아, 이 성전을 ये मंदिर गिर जाएगा. 내가 사흘 만에 다시 짓겠다. और फिर तीन दिनों के बाद मैं फिर से इसको पुनर्स्थापित करूंगा. 46년이 걸렸는데 हमें इस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे. 무슨 사흘 만에 성전을 다시 지을 수 और तू कह रहा है कि चार दिन में मैं इसको फिर से खड़ा कर दूंगा. 말도 안 돼. 그러면서 예수님을 욕했죠. 이스메 코야르티 बनता और उन्होंने यीशु को दोष लगाया. 진짜 성전은 लेकिन सच्चा मंदिर जो है 땅에 있는 성전이 아니라 वो इस पृथ्वी का मंदिर नहीं है. 예수님 자체가 성전이셨고 बल्कि यीशु खुद मंदिर है. 십자가에 못 박혀 돌아가신 우리 마음을 성전을 만드셨고 और यीशु ने क्रूस पर मरने के बाद उसने हमारे मन को अपना मंदिर बनाया. 제사는 예수님이 드려지는 것이 진짜 제사인데 क्योंकि पाप के लिए असली बलिदान यीशु मसीह है. 사람들은 그것을 볼 눈이 없었기 때문에 लेकिन क्योंकि लोगों के बाद पास को देखने की आंख नहीं है. 옛날부터 했던 모세와 아론의 반차를 따른 제사장들을 쫓았고 오스르보 देखते कि मूसा ने क्या किया है और लेवी व्यवस्था के याजकों ने क्या किया है. और वो लोग यरूशलेम के मंदिर में गए. 옛날에 있던 양과 소를 통해서 제사를 드리는 일에 마음을 쓰고 있더라. 오스르보 अपने मन को उंडलते हैं वो बकरियों को और मेमनों को बलिदान चढ़ाने के लिए. 예수님을 소개하기 위한 하나의 도구에 불과하고 लेकिन ये सब केवल परमेश्वर ने यीशु को प्रकट करने के लिए बनाए हुए चीज है. 어떻게 예수님 일하시는지를 미리 보여주는 것을 보여주는 일을 하는 것이고 परमेश्वर दिखाना चाहता था कि यीशु मसीह क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है. 하나님이 우리에게 보여주시는 것은 성막을 통해 예수님을 나타내는 거예요. इसलिए परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है कि परमेश्वर कहना चाहता है कि मिलाप तंबू के द्वारा तुम यीशु को देखो. 예수님을 통해 우리 죄를 영원히 씻는 것을 보여주기 위함이라. परमेश्वर हमें दिखाना चाहता था कि मेमने और बकरों के लहू से नहीं बल्कि यीशु के लहू से तुम्हारे पाप अनंत काल के लिए धोए जा सकते हैं. और इसलिए मिलाप तंबू में और भी कई सारी चीजें हैं. 여러분 오늘 저기 그 물두멍에 대해서 얘기하고 आज मैं आपको पीतल की हौदी के विषय में बात करना चाहता हूं. 들어가면 और जब आप पवित्र स्थान में जाते हैं, अख़मीरी रोटी का मेज है, सोने का दीवट है, 그리고 향단, धूप वेदी है, 그리고 법궤, और उसके बाद में वाचा का संदूक भी है. 이야기할 것이 굉장히 많지만 बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए. लेकिन 내가 성막의 얘기만 하고 그 안에 있는 진짜 예수님을 이야기하지 않는다면 अगर मैं मिलाप तंबू के चीजों के बारे में बोलता हूं लेकिन यीशु के बारे में अगर नहीं बोलता तो 에 대해서 모르는 것이고 잘 못 얘기하는 것입니다. तो फिर आप बोल सकते हो कि मुझे मिलाप तंबू भी नहीं मालूम और मुझे मंदिर भी नहीं मालूम. 시간이 नहीं 되면 또 여러분에게 자세한 걸 이야기하겠지만 और जैसे मैंने आपको वादा किया है कि मैं और विस्तार से बताऊंगा जब हमारे कि पास में समय होगा. 예수님에 대해서 좀더 이야기하고 싶습니다. अभी मैं आपसे यीशु के बारे में
और बात करना चाहता हूँ여러분, जो우리가 केंद्र में है।히브리서 이제 7장, 8장, 9장을 मैंने आपको얘기했는데요. 이브라니어 के 7, 8 और 9 अध्याय के विषय में बात की।중에서도 히브리서 9장을 먼저 이야기하겠습니다. सबसे पहले मैं इब्रानियों के 9 अध्याय के विषय में बात करना चाहूंगा। 그리고 시간이 되면 아까 읽었던 그 물두멍에 대해서 여러분에게 설명을 좀 드릴게요. और जैसे समय बचेगा मैं आपको पीतल के औदे के विषय में히브리서 और बात 9장을 करूंगा। 좀 읽어보겠습니다. 네. हम इब्रानियों के 9 अध्याय के अध्याय को첫 थोड़ा1절, पढ़ेंगे। 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 1 वचन उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। 여러분, 이것은 바로 우리가 지금까지 얘기한 성막에 대해서 이야기하는 और겁니다. ये बात उस मिलाप तंबू के विषय में बात कर रही है जिसके विषय में हमने बात किया अब तक। 2절 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등대와 상과 진설병이 있으니 이는 दो성소를 वचन क्योंकि일컫고 एक तंबू बनाया गया पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान우리가 कहलाता है지금까지 이야기한 और부분이죠. इसके विषय में भी हमने또 आपने बात둘째 की थी। 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소로 일컫나니 उसके बाद दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान성소에 कहलाता है들어가면 और अगर आप पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो저기 वहां पे सोने등대, का दीवट है석상, अख़मीर रोटी का मेज है그다음에 이제 그 향단 있고 और धूप वेदी그 है뒤에 가면 이제 지성소가 있다고 और얘기했어요. अंदर जाएंगे तो वहां पर वाचा का संदूक है 4절 परम पवित्र금향로와 स्थान में। 사면을 금으로 싼 언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난지팡이와 언약의 비석들이 उसमें있고 सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे5절 और그의 속죄소를 वाचा की덮는 पट्टियां영광의 थी। 그룹들이 있으니 이것에 관하여는 낱낱이 말할 수 उसके없노라. ऊपर दोनों तेजोमय करूप थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किया हुए थे। इनका एक एक예, करके वर्णन여러분 करने का अभी अवसर नहीं है।그 성, 지성소 안에는 하나님의 궤가 있는데 तो अगर हम परम पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर वाचा का거기는 संदूक है만나를 담은 그 궤 안에는 만나를 담은 금항아리 और वहां पर वो सोने का그리고 아론의 बर्तन है जिसमें मानना है쌍난지팡이 और वहां पर हारून की그 이제 छड़ी두 है개의 जिसमें फूल फल आ गए돌비석 हैं율법이 있어요. 십계명에서는 두개 돌비석이 있고 और वहां पर वाचा की पटिया भी है그리고 जिसमें 10 이제 आज्ञा이 लिखी गई है궤를 덮는 뚜껑이 있는데 और उसके ऊपर एक प्रायश्चित का ढकना लगाया근데 गया है। 그것을 이제 그 은혜의 자리, 자비의 자리라고 쉬은 자라고 얘기하는데 और उसे दयासन भी कहा गया है उस प्रायश्चित के뚜껑에는 여기 ढकने को보면 그룹들이 날개로 덮고 있다고 और얘기했어. उसके ऊपर दो तेजोमय करूब है एक자, दूसरे이제 को여러분 ऐसे ढके이것은 हुए। 성막에 대해서 우리가 지금까지 얘기한 것처럼 설명을 तो하고 ये있어요. उस मिलाप तंबू के विषय में बता रहा है जिसके विषय में हमने अब तक बात की।자, 그러면서 6절 लेकिन जब आप 6 वचन को देखते모든 हो것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 ये예를 वस्तुएं행하고 इस रीति से तैयार हो चुकी उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा자, के그러니까 कार्य여러분 संपन्न करते제사장들은 हैं।이제 첫 장막까지는 자주 들어가요. तो ये याजक सिर्फ पहले이제 मिलाप거기 तंबू में가서 이제 हमेशा매일 जाया향도 करते थे피워야 되고 और फिर वहां पर वो धूप जलाते थे일주일에 한 번씩 이제 그 뭡니까? 빵, 떡, 그 진설병도 이제 바꿔야 और फिर되고 उनको हफ्ते में एक बार उन रोटियों को भी बदलना पड़ता था그리고 이제 अख़मीरी그 रोटी के मेज पर등단에 रखे등대에 रखे있는 हुए등에 있는 기름도 채워야 되고 और फिर सोने के दीवट के अंदर का तेल भी उनको भरना그렇지만 पड़ता था।여러분 여기 보면 7절 लेकिन 7 वचन में क्या लिखा है오직 둘째 장막이라고 얘기했는데 यहाँ पर दूसरे मिलाप तंबू이के विषय में लिखा둘째 गया है장막은 바로 지성소를 얘기하죠. और ये परम पवित्र स्थान के विषय में कहा गया है। 여러분, 이 둘째 장막은 대제사장이 여기 뭐래? 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년 1차씩 들어가되 피 없이 난해하는 이 피가 이 피는 सात자기와 वचन पर백성의 दूसरे허물을 में위하여 केवल드리는 महायाजक것이라. वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के자, लिए चढ़ाता여러분, है।이그 안에 성소와 지성소로 나눠져 तो있는데 ये पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान성소는 विभाजित किया일에 गया है।따라서 이제 자주 왔다 갔다 하지만 지성소는 1년에 1차씩 제사장만 और들어가요. पवित्र स्थान में जो भी काम होते थे याजक हमेशा आया जाया करते थे लेकिन परम पवित्र स्थान왜냐하면 में केवल 1년에 한 एक번씩 बार साल이스라엘의 में महायाजक모든 प्रवेश백성의 करता죄를 था।씻는 날이 있는데 대속죄일인데 क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक ही दिन प्रायश्चित का दिन होता था जब पाप धोए जाते थे그때 제사장이 그곳에 들어가는 और거예요. उस समय केवल महायाजक उसमें자, प्रवेश 근데 किया여기 कर뭐라? सकता피 था없이는 아니야 하나님. लेकिन वहां पे लिखा है कि वो लहू के बिना왜냐하면 प्रवेश नहीं कर그곳에 सकता।피를 가지고 가야 उसने돼. लहू को लेकर ही उसके अंदर प्रवेश करना우리가 है।
시간에 얘기했죠. 그렇게 पिछले बार हमने इस विषय में बात की. 피를 가지고 가셔야 되겠습니까? 우스코 लहू लेकर जाना है. 왜냐하면 이 백성들을 위해 죽은 또 제사장을 위해 죽은 그 피 증거 생명의 증거 죄를 씻기 위한 그 피를 가지고 가야 되는 거예요. उसने उस लहू के रसीद को लेकर जाना है. उसके और लोगों के पापों के कीमत को चुकाने की रसीद को और उस लहू को लेकर वो उस पर छिड़कता है. वो कहता है कि परमेश्वर देखो ये लहू लोगों के पापों के लिए बहाया गया है. ये लहू लोगों के पापों की कीमत है. और फिर उस लहू को अंदर जाकर सात बार छिड़कता है. 1년에 한 번 대제사장이 피를 가지고 지성소에 들어가요. 또 살매 एक बार ये महायाजक लोग को लेकर परमपवित्र स्थान में प्रवेश करता है. 8절. 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 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. 이세 पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ. 자, 그러면서 9절. 9절. 이 장막은 현재까지 비우니 이에 의지하여 드린 예물과 제사가 섬긴 자의 양신상 온전케 할 수. 야 덤부 वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिस जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते. 여러분 여기서 뭐라 그랬냐면 이렇게 1년에 한 번씩 피를 가지고 드리고 이것은 비유라고 얘기했어요. तो यहां पर यह कहा गया है कि ये असली ये नहीं है बल्कि ये एक प्रतिरूप है आने वाली चीजों के. 그러면서 이것은 이 제사는 이 섬기는 사람으로 하여금 깨끗하게 온전케 할 수 없다고 이야기하는 거예요. 그 ऐसी भेंट बलिदान चढ़ाए जाना उनको सिद्ध नहीं कर सकते. 왜 이걸 했냐면 तो फिर उन्होंने ये सब क्यों किया? 이걸 통해서 어떻게 죄를 씻는지를 보여주기 위한 거예요. परमेश्वर दिखाना चाहता था कि वो हमारे पापों को कैसे धोने वाला है. 죄를 온전하게 씻지는 못한다고 성경도 이야기하고 있는 거예요. 근데 바이블이 कहती है कि वो असली बलिदान नहीं थे जो हमें सिद्ध कर सके. 무엇이 우리를 온전하게 씻을 수 있을까요? क्या है जो हमारे पापों को पूरी तरह से सिद्ध रीति से शुद्ध कर सकता है. आप 10 वचन को देखिए. 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법만 되어 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 10 वचन क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति-भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है. 자, 여러분 개혁할 때까지만 맡겨둔 것이. 여기 पर लिखा है कि वो केवल सुधार के समय तक नियुक्त किए गए काम है. 부족했어요. 그게 उन सब में कमियां हैं. 그러면 제사장도 사람이었기 때문에 죄가 있었고. 특히 하룬 और बाकी के याजक भी वो लोग भी पापी थे. 우리는 이 사람들의 죄를 온전하고 완벽하고 거룩하게 씻지를 못했어. और उन बलिदान के लहू लोगों को सिद्ध पवित्र शुद्ध नहीं कर सकते. 그 제사장 해마다 매해마다 계속 들어가야 했어요. इसलिए उनको हर साल में प्रवेश करके वैसा किया करना पड़ता था. 매일 사람이 올 때마다 그 죄를 씻었어야만 했어. और व्यक्तिगत रीति से भी लोग हर रोज अपने पाप धोने के लिए आया करते थे. 때까지 맡겨둔 것이고. 하지만 ऐसा कहा गया कि जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए काम है. 개혁이 되었어요. 그리고 बाद 다음 절. 여러분 다음 절은 뭐 여러분 꼭 기억하시고. 아프네 11 वचन याद रखना ही है. 9장 11절. 그리스도께서 장래 좋은 일에 대해 제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 더 크고 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी-अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं. 아론의 반차를 쫓은 대제사장들 있었는데 तो वहां पर महायाजक थे हारून के वंश में से आए हुए. 예수 그리스도는 아론이 아니라 유다 지파죠. 하지만 예수 하룬 का वंश का नहीं बल्कि यहूदा के वंश से है. 예수님은 아론의 반차를 쫓지 않고 멜기세덱의 반차를 쫓은 영원한 제사장이라고 얘기했어요. और इसलिए यीशु को कहा गया कि वो हारून के वंश से नहीं बल्कि मल्किसेदेक के वंश से आने वाला अनंत काल का महायाजक है. 이런 방법들은 तो ये पुराने नियम के सभी तरीके जिससे पाप धोए जाते थे वो लोगों को सिद्ध नहीं कर सकते थे. 방법이 될 수 없고 और वो सिद्ध तरीका नहीं था. 개혁 때까지 그냥 놔둔 것이고 और वो सुधार के समय तक नियुक्त किया गया था. 이제 예수님이 오셨어요. 근데 아비 이슈 아 गया है. 무엇으로 대제사장으로 오셨어요. क्या बनकर आया है? 마하야작 होकर आया. 그럼 이제 뭐라 그랬냐면 और यहां पर क्या लिखा गया है? 손으로 짓지 아니한 तो हाथ का बनाया हुआ नहीं곧 이 창조에 속하지 않냐고 더 크고 온전한 장막이라고. अर्थात इस सृष्टि का नहीं. 여러분 혹시 기억하실지 모르겠지만 और मैंने जानता कि आपको याद है कि नहीं. 모세가 하늘에서
시내산에서 십계명을 받았는데 후산의 접신의 퍼벗퍼 더스 아기아코 파야. 하나님이 십계명을 주실 때 모세에게 성막의 식양을 보여주셨어요. 퍼메시어네 우스코 시내 퍼벗퍼 스워르케 밀랍탐부코 비 프라갓키야. 그래서 모세는 그 하늘에 있는 성막을 보고 땅에서 그대로 지었어요. 또 무산이 스워르케 밀랍탐부코 데카 프리티 퍼 웨시 바나야. 그러니까 성막은 두 개가 있어요. 또 이스카 맞랍 밀랍탐부 도 해. 하나는 하늘나라 있는 것. 에크 스워르메 해. 그리고 하나는 땅에 모세로 말미암아 지어진 것. 에크 프리티 퍼 해. 조 무사케 द्वारा बनाया गया था. 자, 그런데 लेकिन यहाँ पर 여기서 뭐라 그랬냐면 यहाँ पर कहा क्या लिखा गया है 더 크고 온전하고 창조에 속하지 않고 손으로 짓지 아니하니 जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं ऐसा बड़ा और सिद्ध तंबू 하나는 하늘에 있고 하나는 땅에 있는데 तो दो मिलाप तंबू है एक स्वर्ग में एक पृथ्वी पर कौन सा ज्यादा सिद्ध है 무엇이 더 크고 कौन सा ज्यादा बड़ा है 무엇이 손으로 짓지 않고 कौन सा हाथ से बनाया हुआ नहीं है 무엇이 그다음에 뭐죠 창조에 속하지 않았습니까? और कौन सा तंबू इस सृष्टि का नहीं है? 하늘에 있는 성막이에요. जो स्वर्ग का तंबू है. जो मिलाप तंबू स्वर्ग में है. 대제사장 오셔서 तो यीशु यहां पर महायाजक होकर आया. 하늘에 있는 성막이 아니라 वो इस पृथ्वी का महायाजक बनकर नहीं आया. 하늘에 있는 성막에 들어가셨다고 얘기해요. वो उस स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया. 이해하십니까? 11절이 바로 그 और वही हमें 11 वचन बता रहा है. 12절 वचन बार यमसा सोंगाजे पिरो आन्याओ जागी पिरो योनान सुक्चल और बकरो और बछड़ो के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया सरम के जने से पहले 아론의 반차를 쫓은 제사장들은 예 하룬 के वंश के जो महायाजक लोग थे प्रायश्चित के दिन मतलब 7वें महीने के 10वें दिन 여러분 제사장이 피를 들고 성소에 महायाजक लहू को लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था 그 지성소에 있는 법궤 위에다가 피를 7번 뿌리는 और 일을 फिर 했어요. उस लहू को 7 बार छिड़कने का काम करता था दयासन पर परमेश्वर इस लहू को देखिए 당신의 백성들 위해서 죽은 짐승의 피입니다. और ये लहू आपके लोगों के पापों के लिए मरे हुए मेमने का लहू है। 당신의 백성들 죄로 말미암아 죽어야 되는데 और लोगों ने उनके पापों के लिए मरना चाहिए था। 짐승이 대신 죽었습니다. लेकिन ये पशु उनके जगह पर मरा है। 보세요. 그러니까 करके आप इस लहू को देखिए। 그래서 이 백성들 용서해 주세요. 그러니까 आपके लोगों के पापों को अभी क्षमा कर दीजिए। 그렇게 제사장들이 1년에 한 번씩 들어간 거예요. 이 प्रकार से महायाजक साल में एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। 아니고 लेकिन वो सिद्ध तरीका नहीं था 진짜 하나님이 준비하시고 완벽한 하나님의 계획 안에 있는 लेकिन 방법 뭐냐 परमेश्वर के असली योजना और असली उद्देश्य में कौन सा तरीका है 11절 12절 ये इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 और 12 वचन में लिखा गया है 제사장을 오셨는데 जब यीशु महायाजक बनकर आया 그러면 하늘에 있는 장막에 들어가셨어요 वो स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया 그리고 염소나 송아지의 피가 아니라 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं 예수의 피를 직접 가지고 가셨어요 पर अपने ही लहू के द्वारा 옛날에 제사장 땅에 있는 성막에 들어갔어요. और जो पृथ्वी के याजक थे वो पृथ्वी के तंबू में प्रवेश किया करते थे। 자기 피를 가지고 하늘에 있는 성막에 들어. 예수 ने अपना लहू लेकर वो स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया। क्यों? 제가 설명을 해 볼게요. मैं इस विषय में आपको बताऊंगा। 땅은 시간이 이 땅에 존재해요. इस पृथ्वी में ये समय के दुनिया में ये पृथ्वी है। 시간은 계속 흘러가게 돼 있어요. तो समय निरंतर बहता जाता है। 여러분 어제는 성막에 대해서 두 번째 강의를 들으셨을 거예요. 또 그걸 앞에 밀랍탐부가 두스라 सत्र सुना. 첫째 날은 여러분 성막에 대해서 첫 번째 और 강의를 들으셨어요. 어 पहले दिन 앞에 밀랍탐부가 पहला सत्र सुना. 아, 첫째 날 아, 목사님이 문에 대해서 아, 얘기했지. 아, पहले दिन पास्टर ने 밀랍탐부께 द्वार के विषय में बात की थी. वो पहले ही अभी भूतकाल में चला गया है। 번제단에서 얘기했지. 아, सही है. कल पास्टर ने होम बलि की वेदी के विषय में बात की. 벌써 시간이 지나갔어. 아, वो समय भी बीत चुका है. 아, 지금도 벌써 처음에는 내가 물두멍에 얘기했는데 आज भी मैंने शुरुआत में मैंने पीतल की हौदी के विषय में बात करना शुरू किया था शिगानी 계속 흘러가고 있어요 लेकिन क्योंकि समय ऐसा है जो बहता जाता है 시간이 흘러 시간이 있기 때문에 이 땅에는 영원한 것이 존재하지 않아요 इसलिए ये दुनिया में समय होने के वजह से ये दुनिया अनंत काल की नहीं है 그래서 없어지게 돼 있어요 इसलिए इस पृथ्वी पर सब चीजें एक दिन गायब हो जाएंगी उदाहरण के लिए 제가 죄를 지었어요. 선조 मैंने पाप किया है. 내가 양을 가지고 가서 제사장에게 양을 죽이고 죄를 और मैं मेमने को लेकर आया और याजक के पास जाकर मैंने मेरे पापों को धोया. 그리고 그다음 날 내가 죄를 지었어요. और अगले दिन मैंने फिर से पाप किया. 그럼 어제 죽은 양의 피가 오늘 내 죄를 씻지 못하는 거예요. लेकिन कल जो मेमना मेरे लिए मरा और लहू बहाया वो मेरे पापों को आज नहीं धो सकता.
निश्चित ही उस लहू में시간이 शक्ति है,지나가면서 लेकिन जैसे समय बीत गया है,능력이 없어진 거예요. अभी वो शक्ति भी चली गई है। 그래서 여러분 또 다시 죄를 위해서 제사를 지내야 되고 또 और제사를 अभी지내야 फिर돼. से मुझे पाप बलि चढ़ाना है और फिर से मुझे그래서 कीमत चुकाना है।제사장은 7월 10일 날 들어와서 사람들의 죄를 कब속하고 महायाजक쫓아다니고 सातवें महीने के 10वें दिन में बलिदान चढ़ाता그 था,다음에 또 들어가야 되고 फिर से उसको अगले साल करना또 पड़ता था,해야 되고 계속 해야 उसको돼요. फिर से करके ऐसे왜냐하면 निरंतर करना시간이 पड़ता지금 था।1년이 되면 क्यों? क्योंकि समय बीतता जा रहा है, साल1년이 बीतता जा रहा흘리니까 है,송아지의 피가 오래 죄를 못 씻기 क्योंकि때문에 बकरे और बछड़े का लहू पिछले साल बहा गया है, वो इस साल के여러분 पापों को धो नहीं이해하십니까? सकता।자, 그런데 लेकिन फिर여러분 예수님은 하늘에 있는 성막에 들어가셨어요. 이슈 स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया है, 하늘에 있는 성막은 어떤 세계입니까? और स्वर्ग की दुनिया कौन सी दुनिया है? 하늘나라는 영원한 세계잖아요. स्वर्ग की दुनिया अनंत काल की दुनिया है,하늘나라에는 시간이 और존재하지 않아요. वहां पर समय नहीं है,과거도 वहां पे없고 भूतकाल नहीं है,미래도 वहां없어요. पे भविष्य नहीं है,여러분 우리는 한 번도 그런 세계에 살아본 적이 없어서 상상하기가 되게 क्योंकि어려운데 हम इस प्रकार की दुनिया में कभी जिए नहीं है, इसलिए हमें कल्पना करना भी मुश्किल근데도 है।하늘에는 लेकिन स्वर्ग में시간이 흐르지 않아요. समय नहीं बहता,모든 것이 सब영원해요. कुछ वहां पर여러분 언젠가 अनंतकालिक है।우리가 하늘나라에 एक가면 दिन हम उस अनंतकाल की दुनिया में우리는 प्रवेश이 करेंगे,몸을 벗어버릴 हम거예요. इस शरीर को छोड़ देंगे,왜냐면 이 몸은 영원히 살 क्यों?수 क्योंकि없기 ये때문에. शरीर हमेशा के लिए नहीं जी그래서 सकता।하늘나라에 가서 우리 몸이 तो जब변화되고 हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे शरीर बदल जाएंगे,하늘나라에서 하늘이가 영원히 살 और거예요. हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए जिएंगे।힘도 없고 हमारे पास चिंता नहीं걱정도 रहेंगी,없고 हमारे싸움도 पास दुख नहीं रहेंगे,없고 वहां पर झगड़े문제도 नहीं रहेंगे,없고 वहां पर समस्या नहीं아픔도 रहेगी, वहां없고 पर दुख नहीं रहेंगे।여러분 영원히 산다는 어떤 것인지 상상이 좀 어렵지만 और स्वर्ग का राज्य कैसा होगा कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन그날에 하나님이 우리를 기다리고 계시는 건데 उस दुनिया में परमेश्वर그래서 हमारा여러분 इंतजार कर रहा है,하늘나라는 모든 것이 영원해요. और स्वर्ग के राज्य में सब कुछ여러분 अनंतकालिक है।예수님은 यीशु मसीह ने나는 이 피를 가지고 대제사장으로서 지성소에 들어가야 और되는데 यीशु उसका लहू को लेकर महायाजक बनकर परम पवित्र स्थान में나는 प्रवेश करना하늘나라 है,땅에 있는 성소에 들어가지 않겠다. लेकिन मैं इस पृथ्वी के तंबू में प्रवेश왜냐면 नहीं내가 करूंगा।땅에 들어가서 피를 क्यों?뿌리면 क्योंकि अगर मैं पृथ्वी के तंबू में जाकर मेरा लहू사람들의 죄가 छिड़कता हूं तो씻어지지만 हाँ, उससे भी पाप धोए जाएंगे,그럼 해가 지나면 또 어떻게 돼요? लेकिन जैसे समय बीत그 जाएगा, 능력이 사라지게 तो फिर되죠. वो शक्ति भी चली예수님 जाएगी,또 죽으셔야 되고 और फिर यीशु को फिर मरना또 पड़ेगा,고난을 और받으셔야 यीशु को फिर से아, पीड़ा나는 그렇게 उठानी안 하고 पड़ेगी।싶다. मैं वैसा नहीं करना그래서 चाहता। 예수님 어떻게 하셨냐면 इसलिए यीशु ने क्या किया?하늘에 있는 성막에 들어가셨어요. 예수 स्वर्ग के तंबू में गया। 여러분 하늘나라는 영원한 곳이잖아요. 스वर्ग की दुनिया अनंत काल 그래서 की है, 예수님의 피를 뿌리면 और वहां पर अगर यीशु여러분 लहू그 छिड़कता है,능력도 तो फिर영원해지는 वो거예요. शक्ति भी अनंत काल की है। 여러분의 죄를 씻고 आपके पापों को धोने के लिए,여러분의 죄를 속죄하면 आपके पापों से आपको छुड़ाने के그 लिए, 능력이 영원하다는 것을 여러분이 아셔야 वो शक्ति भी अनंत काल돼요. 자, की होनी그래서 चाहिए। 9장 12절에 इसलिए보면 अगर आप इब्रानियों के 9 अध्याय के 12 वचन को देखते हैं, 1절에 예수님은 하늘나라에 있는 성소에 들어가셨고 11वचन कहता है कि वो स्वर्ग के 12절 तंबू में염소와 प्रवेश किया,송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 और성소에 12वचन들어가셨습니다. कहता है और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा여러분 여기 प्राप्त किया।보면 속죄라는 말이 있어요. 또 यहां पर छुटकारे की विषय में बात किया,여러분 이 अनंत속죄가 छुटकारा।무엇입니까? छुटकारा क्या है? 죄를 속하는 거예요. 왜 पाप से छुटकारे के विषय그것은 में कहा गया है,값을 치러주는 걸 이야기하는 거예요. 왜냐하면 वो है कीमत चुकाकर근데 여러분 आपको그냥 छुटकारा값을 देना। 치러준 게 아니라 영원히 값을 치른 लेकिन거예요. 이슈 ने बस थोड़े ही कर्जे को नहीं भरा, बल्कि 여러분 उसने अनंत이해하십니까? कर्जा भरकर 여러분 अनंत그래서 छुटकारा प्राप्त किया। 옛날에 있는 제사장들은 매년마다 같은 일을 반복해야 했지만 तो हालांकि महायाजक पुराने नियम में हर성경에 साल में보면 एक ही काम단번에 क्या करते थे, लेकिन इशू ने एक ही बार예수님은 이 영원한 속죄를 이루셨어요. उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया है।십자가에서 흘린 피를 가지고 यीशु ने क्रूस पर बहाया हुआ अपना लहू लिया,지성소에 들어가서 피를 뿌리면서 여러분의 죄를 위해서 피를 흘린 것을 하나님이 और उसने보여주셨는데 स्वर्ग के पवित्र स्थान में उसने अपना लहू छिड़काया그 परमेश्वर को능력이 दिखाने के लिए,영원하다는 것을 여러분 기억하시게 और돼요. 아프네 जाना चाहिए कि वो शक्ति अनंत काल की है। 여러분 우리가 좀 시간이 제가 다좀 설명드리면 좋은데 좀 시간이 좀 모자라서 히브리서 10장을 और좀 मेरे पास में ज्यादा읽어보겠습니다. समय नहीं है विस्तार से बोलने के लिए, इसलिए हम लोग 10वें अध्याय저는 में जाएंगे। 10वें अध्याय개인적으로 में इब्रानियों히브리서 के10장을 좋아하는데 व्यक्तिगत रीति से मुझे इब्रानियों का 10वां अध्याय बहुत여기에 पसंद지금까지 है,우리가 한 얘기의 중요한 부분이 और많이 들어 यहाँ있어요. पर महत्वपूर्ण पहलू है जिसके विषय में여러분 अब तक हमने히브리서 बात की है। 10장
1절 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 क्योंकि व्यवस्था나오는 जिसमें자들 आने वाली언제든지 अच्छी온전케 वस्तुओं할수का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। 율법은 하나님이 주신 법도 있지만 व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दी गई है। 하나님 주신 법을 따라서 죄를 속하고 양을 잡고 제사를 드리는 그것을 और이야기하는 यहां पर व्यवस्था के अनुसार हमने बलिदान को चढ़ाना इसके विषय में लिखा गया है। 성경을 자세히 읽어보시게 되기를 바랍니다. मैं आशा करता हूं कि आप बाइबल को 여기서 विस्तार से 뭐라는 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자예요. 자, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 형상이 아니다. पर उनका असली स्वरूप नहीं। 그래서 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 항상 온전케 할 수 없다고 얘기하고 इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती 율법으로는 온전케 할 수 없다 व्यवस्था के द्वारा हम सिद्ध नहीं हो सकते 온전케 할 수 없다고 यहां पे लिखा है कदापि सिद्ध नहीं किए जा सकते 이해하시죠? 그 आप समझ पा रहे हो दो वचन 그렇지 아니하면 그 말은 무슨 말이냐 하면 만약에 율법이 온전케 할 수 있다면 그렇게 얘기하는 거예요. 섬기는 자들이 단번에 정결케다 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리 어찌 드리는 일을 그치지 아니하였습니다. 율법으로 제사를 온전케 할 수 있다면 사람들이 죄를 깨닫는 일도 그 다음에 제사를 계속 드리는 일도 없었을 것이라는 거죠. पुराने नियम के बलिदान जो है वो अनंत काल के लिए हमारे पापों को धो सकते थे तो फिर हमें पापों को फिर से स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ती 여러분 양을 잡고 소를 잡는 제사들은 해마다 죄를 생각나게 하는 것입니다. 마피 लिखा है परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है 왜냐하면 우리 죄를 온전히 영원히 씻지 못하기 때문이에요. 운께 द्वारा हमारे पापों को सर्वदा के लिए धोना असंभव है. 4절 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못하고. 4절은 क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे. 한 번에 죄는 씻을 수 있고. 한 एक बार आपके पापों को धो सकता है. 영원히 씻을 수는 없다는 얘기죠. लेकिन आपके पापों को अनंत काल के लिए पांचवचन इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है 제사, 제물을 원치 않냐시 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨다 बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की 자, 여러분 한번 생각해 보세요 अब इस विषय में आप सोचिए 히브리서 기자는 어떤 예수님을 소개하기 위해서 이렇게 쓰고 있는 거예요 और इब्रानियों का लिखने वाला 여러분 어떤 생각을 하고 있었든지 잠깐 내려놓고 한번 말씀의 귀를 기울여 보세요. 나는 아셔 करता हूं कि आपके पास जो भी विचार है कल्पना उसको छोड़कर आप परमेश्वर के वचन को जैसा वैसे सुनिए. तो यहां पर आप 10 अध्याय में क्या देख सकते हैं? व्यवस्था ये काम नहीं कर सकती. 영원히 죄를 씻을 수 없다. 그 व्यवस्था आपको अनंत काल के लिए नहीं धो सकती. 또 आपको कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती. 제사들이 그쳐지지 않았다. और व्यवस्था में बलिदानों का अंत नहीं है निरंतर किया जाना चाहिए. 않는다 그랬다. परमेश्वर उन बलिदान को नहीं चाहता. 그러면서 나를 위해 한 몸을 예비했다고 얘기했어요. 이슬레 उसने मेरे लिए देह तैयार किया. 자, 그럼 이 말은 무슨 말이냐면 इसका मतलब क्या है? 여러분 이 한 몸은 어떻게 할 수 있겠다는 있다는 얘긴가요? इस एक देह को तैयार किया गया है. इसके द्वारा क्या किया जाने वाला है? 이 한 몸은 어떻게 할 수 있겠어? और ये देह क्या कर सकती है? 여러분 죄를 씻는 और ये देह के द्वारा हमारे पापों को धोने का काम किया जाने वाला है या ना 율법 그거 나 기뻐하지 않는다 मैं बलिदान और भेंट में खुश नहीं होता 그거 기뻐하지 않는다 मैं उन बलिदानों में खुश नहीं हूं 제사 영원하게 죄를 씻지 못하잖아 क्योंकि वो बलिदान तुम्हारे पापों को सर्वदा के लिए धो नहीं सकते और आप लोग ये बलिदान निरंतर देते रहते हो लेकिन आपके पापों को हमेशा के लिए नहीं धो सकते और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक देह तैयार की है और ये इसका मतलब क्या कि उसने हमारे लिए देह तैयार किया और वो देह हमारे लिए क्या कर सकती है मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा 우리 죄를 영원히 씻을 수 있다는 걸 얘기해요. 이스카 मतलब ये देह आपके पापों को सर्वदा के लिए धो सकती है. 우리 죄를 영원히 씻을 수 없고 예수님도 우리 죄를 영원히 씻을 수 없다면 यदि पशुओं के पाप आपके पापों को सर्वदा के लिए नहीं धो सकते और यीशु का देह भी आपके पापों को सर्वदा के लिए नहीं धो सकते तो फिर यीशु को तैयार करने की जरूरत ही नहीं है. 하나님은 그 짐승을 드린 방법으로 우리를 깨끗하게 온전케 언제든지 할 수 없기 때문에 क्योंकि पशुओं का लहू हमें अनंत काल के लिए धो नहीं सकता था. 버리고
हम मोमल इसलिए परमेश्वर ने वो तरीका फेंक कर एक देह तैयार किया है। और छह वचन मिलकर होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। ये हनन किप्पासी अंचो इरन छे। यस यहां पे लिखा है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हुआ। ये मैंने कहा हननीमियो भूषोपसोदो दुरुमारी छेगी छेगे 나를 가리켜 기록한 것과 같이 나 하나님의 뜻을 행하라 वाला। सात वचन तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो।성경에서 기록된 것처럼 하나님의 뜻을 행하러 오신 거예요. 아 이슈 कहता है कि इशु यहां पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए है। वो परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो है हमें अनंत काल के लिए पवित्र और पवित्र करना, अनंत काल के लिए शुद्ध करना। आठ वचन हम पढ़ेंगे। 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 번제함과 속죄는 원치도 아니하시고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법이다. 너 तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। 자, 위에 계속 얘기했었죠, 이 부분에. मैंने इस विषय में पहले आपको बताया है। 구절 그 후에 말씀하기를 보시옵소서 내가 하나님 뜻 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 빼하시면 둘째 것을 세우려 하시고. 노와전 फिर यह भी कहता है देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं अतः वह पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को युक्त करे। युल्पोब तो पहला जो है वो हमारे पापों को व्यवस्था के अनुसार धोने के विषय में बात कर रहा है। लेकिन दूसरा मतलब हमारे पापों को यीशु मसीह के द्वारा धोने के विषय में कहा गया है। सही है। 그래서 10절 इसलिए 10 वचन में कहा गया है इ तसल चोचा येशु क्रिस्तोए मोमल तंबने दृशिम मालमियामा उरा गरुकामुल। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यरुम योगी मोरा क्रिस्तो यहाँ पर क्या लिखा है? 하나님의 뜻을 따라서 उसी इच्छा से येशु क्रिस्तो मोमल मेत बन्यो हम बन हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार कितने बार एक ही बार त्रिशुर मालमियामा गोरुकामुल बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 우리가 죄가 씌어지고 죄를 지어서 다시 죄인이 되고 그는 거룩한 게 아니에요. और अगर हम फिर से पाप करके फिर से पापी बनते हैं तो फिर उसको पवित्र नहीं किया नहीं कह सकते। परमेश्वर हमें केवल उसी समय पवित्र कह सकता है जब हम अनंत काल के लिए पवित्र हैं। अगर हम इस पवित्रता को तोड़ सकते हैं तो फिर उसे पवित्रता नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़े जाने के द्वारा पवित्र किए गए। तो मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ क्या आप पवित्र हो? मैंने लोगों से इस प्रकार से पूछा है लेकिन लोग क्या जवाब देते आप जानते हो? शायद से आप में से किसी के पास ऐसा मन हो सकता है। मैं नहीं कह सकता मैं पवित्र हूँ। क्यों? 아, 나는 율법을 잘 못 지켰어. 그게 매 व्यवस्था को अच्छे से पालन नहीं कर सकता। 그게 매 बहुत व्यस्त रहता हूं इसलिए मैं चर्च में भी नहीं जा पाता। 담배를 아직 못 끊었어. 그게 मैंने अभी तक सिगरेट पीना नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी शराब पी रहा हूं। 나 죄를 좀 지었어요. 내가 아직도 पाप करता हूं। 여러분, आप सब लोग 성경을 보세요. 바이블 को देखिए। 여러분 어떻게 우리가 거룩하게 되었다고 얘기하고 있어요? 함 कैसे पवित्र बन गए हैं? 좋은 일을 하고 착한 일을 하고 율법을 지켜서 거룩하게 되었다고 얘기하고 있습니다. अच्छा काम करके व्यवस्था का पालन करके हम पवित्र बने नहीं। माने यूरोनि कृता करके सोचतेमें अगर आप इस प्रकार से सोचते हो तो फिर आप शैतान से धोखा खाए हो। 성경은 분명하게 뭐라고 얘기했어요? क्यों? क्योंकि बाइबल बहुत ही निश्चितता से हमें क्या कहती है? हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र कैसे किए गए हैं? सिगरेट पीना छोड़कर 10 आज्ञाओं को पालन करके हर एक रविवार में जाके अच्छे काम करके लोगों की मदद करके नहीं। बाइबल क्या कहती है? हम कैसे पवित्र किए गए हैं? यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़े जाने के द्वारा। क्या मैं सही हूँ? 여러분 한 가지 물어볼게요. 내가 아까 एक बात पूछूंगा। 예수님이 하나님 뜻에 따라 몸을 드리셨습니까? 자, 예수님이 अपने देह को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बलिदान किया? 드리셨다면. अगर उसने ऐसा किया है, 우리는 거룩한 것입니다. तो फिर हम पवित्र है। 성경이 우리에게 그렇게 क्योंकि यही है जो बाइबल हमें सबूत देकर कहती है। 부족한 게 보이고 연약한 게 보일 수 있어요. हां, आप आपके कमियों को आपके कमजोरियों को देख सकते हो। 성경은 뭐라 그랬습니까? लेकिन हमें बाइबल क्या कहती है? 담배 끊어야 거룩한다고 얘기해요. 자, 바이블 कहती है कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दो तुम पवित्र बनोगे। 율법을 잘 지켜야 된다고 했습니다. आपको व्यवस्था का अच्छा से पालन करना पड़ेगा तब तुम पवित्र बनोगे। 율법을 통해 우리 깨끗게 하는 방법을 싫다고 얘기하셨어요. सीधी रीति से बताया गया है कि परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा हमारे पापों को धोने से नफरत करता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है।
우리 어떻게 거룩하게 तो फिर हम पवित्र कैसे बनते हैं? यीशु님의 몸을 वो था드리심으로. 이슈 मसीह के देह के बलिदान चढ़ाए여러분, जाने के बाद. 신앙은 나를 보는 것이 아닙니다. 아, 지원 मैंने खुद को देखना नहीं है. 신앙은 예수님을 वो 보는 겁니다. 이슈 को देखना है. 여러분이 거룩한지 안 거룩한지 여러분을 आप보면 खुद안को됩니다. देखकर नहीं निर्णय ले सकते कि आप पवित्र हो या नहीं. 여러분이 거룩한지 안 거룩한지 예수님을 अगर봐야 आपको됩니다. जानना है कि आप पवित्र है या नहीं, तो आपको 예수님 इशू को여러분 देखना거룩하게 해서 चाहिए. 몸을 드리셨는지. 야, इशू ने आपके पापों के लिए अपना देह अर्पण 예수님 여러분 किया है. 거룩하게 해서 십자가에 못 박히셨는지. 야, इशू आपको पवित्र करने के लिए क्रूस 예수님이 पर मरा여러분 है. 예수님이 여러분 위해서 하나님의 뜻을 따랐는지. 야, इशू ने आपके लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है. 예수님을 보는 게 신앙입니다. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와. हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है. और यहाँ पे लिखा है कि याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाता है. लेकिन ये बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, उन्होंने बार बार ये बलिदान चढ़ाया लेकिन वो पाप को धो नहीं सकते थे क्योंकि फिर से पाप करके वो फिर से पापी बनते थे, फिर से उनको धोना पड़ता था. 죄를 지금 죄인이 되고 और वो पाप धोने के बाद फिर से पाप करके फिर से पापी बनते 맞습니까? थे. क्या ऐसा ही है? 그 방법은 하나님 기뻐하시지 않는다고 얘기해요. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर को तरीका पसंद नहीं था. 그랬죠. 이슬레 예이 바 8 वचन में हमने पढ़ी. लेकिन अभी 12 वचन में हम देखेंगे. 죄를 위해 한 영원한 제사를 드리시고 परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा. 여러분 11절에 이 제사장들은 매일 तो 11 वचन में इसे लिखा है कि याजक तो खड़े होकर 11절에 खड़े होकर 12절에 예수님은 우리 죄를 위해서 한 영원한 제사. 이긴 바라오처럼 이렇게 했기 이슈네 에키 발리단 서바다 길에 쳐다야 해. 그리고 뭐라 그랬습니까? 어르스케 바두스네 꺄키야 해. 하나님 우편한 지. 바라 필리카 해키오 퍼메쇼 켄 다이네 자 베타. 왜 앉으셨습니까? 이슈 베타 해. 십자가의 고난이 너무 힘들어서 쉬시기 위해서 앉으셨습니까? 아스키키 하마레 파포 코 키마 추카나 봇 무슐킬 카 이슬레 오 베타 해 꺄? 더 이상 일할 것이 없어. 네, 그게 아비 우스키레 캄 카르나 바키 나히 라 이슬. 쉴 때 두 가지가 있어. 그 잡아 비슈람 카르테 오 토 도 도 카른 세 카르테. 일이 남아 있는데도 이제 쉬는 일요일이 되어서 쉬는 경우가 있어. 미시티 쿠츠 토 캄 바키 해 오르 앱 시리프 토다 비슈람 카르테 클레 베테 호. 쉬지 못하죠. और फिर से आप उठकर काम करने वाले हैं। 끝나서 이제 쉴 때가 लेकिन इसर. जब आप सब काम खत्म करने के बाद विश्राम करते हैं, 마음이 쉴 수 있어요. 그 विश्राम 예수님은 모든 일이 끝나셨기 때문에 쉬시는 겁니다. 이슈 베타 क्योंकि उसने सब काम पूरा कर दिया. 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리셨어요. और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने. 대변인이 되시고 변호사가 되시고. 야 पेलिका है कि वो हमारा 그래서 하나님은 예수님은 예수 하나님 옆에 앉으셔서 वो परमेश्वर के दाहिने बैठता है. 마귀가 예수님 발등상이 될 때까지 और जब तक उसका शत्रु उसके पेड़ों की पांव के नीचे की पीढ़ी नहीं बनता. 예수님 옆에 앉으셔서 우리를 변호하시고 तब तक वो हमारे लिए वकीली कर रहा है. 우리를 위해 중보하시고 वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है. 우리를 기도하시니 맞습니까? 14절. 14 वचन भी 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전히 그 उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. 예수님으로 말미암아 परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है यौनी उन्जंके और परमेश्वर ने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. मैं आपसे फिर से पूछूंगा उन्जनहाशिमिक्का क्या आप सिद्ध कर दिए गए हैं? 제가 어떻게 온전 तो मैं कैसे कह सकता हूं मैं सिद्ध हूं? 제가 아직도 부족하고 मुझमें अभी भी कमियां हैं. 여러분 신앙은 여러분을 바라보는 आत्मिक जीवन आपके तरफ देखना नहीं है. 여러분 여러분 절대 거룩해. अगर आप खुद को देखोगे तो आप कभी नहीं कह सकते कि आप पवित्र हैं. 절대 의로워질 수 없고 거룩해질 수 없어요. आप कभी भी धर्मी नहीं बन सकते. आप कभी भी धर्मी ठहरा नहीं सकते. आप कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते. 여러분 온전케 하신 예수님을 इसलिए आप सब ने यीशु को देखना चाहिए जिसने आपको सिद्ध किया. क्या यीशु ने आपको सिद्ध किया है कि नहीं? 예수님 거룩하게 하셨는가? क्या यीशु ने मुझे पवित्र किया है? बाइबल हमें क्या कहती है? 예수님 여러분 거룩하게 하셨다고. बाइबल कहती है कि उसने हमें पवित्र किया है. 여러분이 스스로 거룩하게 하셨어요. 야, 예 아프네 खुद क्या काम है क्या? 그렇지 않습니다. 빌쿨 नहीं. 예수님이 거룩하게 만드셨다면 여러분 거룩하시게 अगर इशू कहता है कि उसने आपको सिद्ध कर दिया तो यीशु 여러분 죄를 씻으시면 여러분 अगर इशू कहता है कि उसने आपके पाप को धोया है तो आपके पाप धोए गए. 시간이 얼마 남지 않아 잠깐 다시 이 그 물통에 대해서 이야기할 때 समय बाकी नहीं कि हम पीतल के औदिकेश में और बात करें. 사람들은 죄를 짓고 나서 다시 죄를 짓는 부분에 대해서 또 뭐 사람들 로그에서 바토세 반대를 했대 कि
उद्धार पाने के, पाप उसे क्षमा पाने आशय के जो बाद भी भी इससे अगर हम पाप그분의 करते तो क्या? 설명을 तो드리면 좋겠지만 अगर मेरे पास और समय होता तो मैं विस्तार से आपको इस विषय में여러분 बताता। निश्चित ही죄는 피로 씻지 पाप लहू से धोया जाता피 है।외에는 죄를 씻을 수 있는 방법이 लहू없어요. के अलावा पाप को धोने का और कोई रास्ता नहीं है।여러분 물두멍에는 무엇이 담겨져 तो있습니까? फिर पीतल के हौदे में क्या है?피가 담겨 있지 않습니까? उसमें लहू नहीं है,그건 물이 담겨 있어요. उसमें केवल पानी है।여러분 다시 제사장이 더러워졌을 जब때 याजक फिर से गंदा हो जाता왜 है,물로 씻습니까? तो क्यों वो सिर्फ पानी से धोते हैं?여러분 그것은 하나님 예수님의 마음을 यहां이야기하는 पर거예요. परमेश्वर यीशु के मन के बारे여러분 में많은 बात कर रहा है।사람들은 죄를 지으면 다시 आप죄인이 बहुत된다고 सारे생각해요. लोग जब पाप धोने के बाद फिर से여러분 पाप करते예수님이 हैं,우리의 모든 죄를 영원히 क्योंकि यीशु ने씻으셨어요. हमारे पापों को सर्वदा के लिए धो दिया है।여러분 아마 이 CLF를 통해서 그분에 대해서 많이 मैं들으셨을 निश्चित겁니다. हूं कि CLF के द्वारा आपने बहुत बार इस विषय में सुना그렇지만 है।다시 죄를 지으면 어떻게 하냐? लेकिन आप जब फिर से पाप करते हो तो여러분 क्या?그 죄는 예수님 외에는 씻을 분이 यीशु के없어요. अलावा आपके पापों को धोने के लिए और कोई नहीं만약에 है। तो예수님 말고 죄를 씻을 수 있는 방법이 있었다면 और कोई तरीका होता यीशु के अलावा,예수님이 이 땅에 오시지 तो않았을 फिर것이에요. यीशु पृथ्वी पर नहीं आता।여러분 예수님이 죄를 हाँ,씻어 यीशु ने주셨고 हमारे पापों को धोया है예수님 여러분의 모든 죄를 씻었어요. और यीशु ने हमारे सब पापों को धोया다시 है।여러분이 죄를 범했을 लेकिन때 जब आप फिर से पाप करते여러분 हो마음이 죽어가기 और जब시작합니다. 아까 मन मरने아, लगता내가 है, 죄를 씻었지. 아, मैंने तो मेरे पाप तो아, धोए थे, 내가 죄를 씻어서 이제 하나님 날 버리실 लेकिन거야. परमेश्वर मैंने फिर से पाप किया,내가 एक죄를 क्षण से परमेश्वर मुझे씻었는데 फेंक देगा지옥 가면 क्या?어떻게 하지? अगर मैं नर्क चला गया तो क्या그 होगा? तो वहां기억나십니까? पर लिखा था कि제사장들이 아론과 아론의 아들들이 물두멍에서 손을 씻어서 죽기를 면하라고. जब हारून और उसके पुत्र पीतल के हौदे여러분 में हाथ만약에 पांव여러분이 धोते तो죄에 मर다시 नहीं빠지게 मरेंगे।되면 여러분 마음이 죽어갈 जब것이니. आप फिर से पाप करते हो, आपका मन मरने लगता है,그때 तो उस어떻게 समय आपको됩니까? क्या करना है?두멍에 आप가서 पीतल물로 के हौदे씻어야 के पास됩니다. जाकर पानी से हाथ पैर물은 धोते हो, वो뭡니까? पानी क्या है?바로 하나님의 말씀을 이야기한다. वो पानी परमेश्वर का아, 나 वचन है।죄를 지었어. 오, परमेश्वर मैंने पाप 아, किए이제 हैं,하나님 날 버리실 거. परमेश्वर मुझे फेंक देगा। 여러분 마음이 막 जब आपका죽어가는데 मन उस प्रकार की दिशा में जाकर다시 मरने लगता말씀을 है,피는 거. आपको फिर से아, बाइबल की맞아. जरूरत है। हाँ, सही예수님의 है,피가 날 मैं온전히 सर्वदा के लिए하셨지. सिद्ध कर दिया गया हूँ। यीशु예수님의 के피가 लहू ने날 मेरे영원히 पापों को씻었지. सर्वदा के लिए धोकर मुझे पवित्र किया예수님 है।나를 영원히 온전케 यीशु했지. 네 मुझे सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है, मैं거룩하지. पवित्र किया गया이 हूँ। 말씀을 다시 대하면서 마음에 사실 소망을 얻고 और힘을 얻는 जैसे거예요. आप परमेश्वर के वचन को फिर से देखते हो, तो आपके मन में여러분, दोबारा이 आशा आ जाती है।물두멍은 회막에서 드는 수종 든 사람의 거울로 और만든 ये पीतल की हौदी जो है, वो जो जवान औरतें थी उनके आईनों को거예요. पिघलाकर여러분, बनाया왜 जाता그 था।거울로 만들었어요? क्यों? क्योंकि거울은 자기를 고치는 거예요. जो आईना होता है वो खुद को देखकर ठीक ठाक करने के लिए여자들이 है।거울 보고 눈썹 तो돌리고 लड़कियां आईने में देख के अपनी आंखें ठीक이빨에 करते뭐 हैं,있으면 그것도 빼내고 दांत को साफ करते हैं,여러분 거울은 자기를 고치는 겁니다. 또 아이나 खुद को देखकर ठीक여러분 ठाक करने के लिए है। 신앙은 여러분을 고치는 게 लेकिन아닙니다. आत्मिक जीवन खुद को ठीक여러분 ठाक करना여러분이 नहीं है,죄와 싸워서 절대 이길 수 क्योंकि없어요. आप पाप से लड़ोगे तो आप कभी भी जीत नहीं죄는 सकते। 여러분보다 훨씬 ये강하기 때문에 पाप आपसे बहुत ज्यादा여러분 शक्तिशाली이길 है।수 있는 죄도 있지만 ऐसे पाप है जिनको आप여러분보다 मात दे더 सकते강한 हो,죄가 나오면 여러분 절대 이길 लेकिन수 없어요. जब पाप आपसे ज्यादा मजबूत है, आप여러분 죄에 उससे빠졌을 때 जीत नहीं सकते और उसमें गिर जाते여러분이 हो,막 여러분 스스로를 고치려고 하면 여러분은 절대 바로 तो사단에게 अगर속는 आप것입니다. उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करोगे तो आप शैतान से धोखा다시 खाओगे죄에 빠졌을 때 और फिर से पाप में गिरोगे,하나님은 너를 고치지 말고 और परमेश्वर आपको ठीक करने वाला है।그 고치는 거울을 녹여서 물두멍을 और इसलिए만들어서 परमेश्वर कहता है कि उस आइनो को पिघलाओ और उससे पीतल की거기 हौदी물을 बनाओ,담아서 그 물로 씻는 और것이에요. उसको पानी से भर दो और उससे तुम여러분을 스스로 धो,고치는 것이 아니라 खुद होकर खुद को ठीक ठाक여러분 मत이 करो,말씀으로 बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा।이해하십니까? 아, 맞아. हाँ, ये सही है।맞아. 나는 다시 부족하지만 हाँ, मैं कमजोर हूँ, मुझमें아, कमियां맞아. हैं।예수님이 몸을 들이심으로 내가 हाँ,의로워진 लेकिन거지. यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा몸이 मैं पवित्र किया드러져서 गया내가 हूँ,거룩해진 거지. क्योंकि यीशु ने अपना देह अर्पण किया, इसलिए아, मैं그러면 पवित्र बना।나는 깨끗하구나. हाँ, तो फिर मैं शुद्ध날 हूँ,다시 받으시겠구나. और मैं फिर से ये बात मेरे मन में स्वीकार내 कर सकता말씀을 हूँ।통해서 여러분 마음이 다시 और살아나는 फिर것입니다. परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका मन पुनर्जीवित होता है।여러분 시간이 많이 가서 더 이상 이제 얘기할 수가 और없는데. बहुत समय बीत चुका है और मैं और बात नहीं कर सकता। 제가 너무 많은 얘기를 한 시간 동안 하느라고 여러분이 이렇게 좀 और딱딱하셨을 मैंने것 बहुत같은데. सारी बातें 1 घंटे में बताई, इसलिए आपको बहुत मुश्किल होगा여러분 सुनने के들으신 लिए। 말씀을 생각하시면서
जैसे आप सुने हुए वचन को याद करोगे, मैं마음에도 소망을 갖게 되기를 바랍니다. 아샤 करता हूँ कि ये आशा आपके मन में 이번 लेकर आप시간 같이 जियोगे. 해주셔서 감사드립니다. हमारे साथ जुड़ने के लिए time, 대단히 감사합니다. 뭐, 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 뭐,